इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का रिव्यू करूंगा, शाइगान फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट वारफरिन की। देखें, वारफरिन को जो है इसके अंदर 10 पत्ते होते हैं और उसके हर पत्ते में 10 टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। और 5 मिलीग्राम्स की ये ड्रग है, 5 मिलीग्राम इसकी एक हाई डोज होती है। लोवेस्ट डोज जो इस टैबलेट की है 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, फिर 2.5 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 5, 6, 7.5 और 10 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। वारफरिन कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि बस आप फार्मेसी पे गए और उठा ली और खा ली, ऐसा नहीं होता। देखिए, वारफरिन खास किस्म के लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती है, उन लोगों को जिनको वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, रगों में अगर थ्रोम्बस बन जाए, क्लॉट्स बन जाए और आपके दौराने खून रुक जाए, ठीक है, उसके लिए वारफरिन का इस्तेमाल होता है। जिन लोगों की डीप वेन थ्रोम्बोसिस बनती है, तो ये पहले इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, खुद से नहीं लेते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको डिफरेंट टेस्ट लिख के देगा और आपकी डिजीज की डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस के बाद फिर आपको वारफरिन दी जाती है। 5 मिलीग्राम की ये ड्रग है। इनिशियली 2 मिलीग्राम से स्टार्ट लेते हैं, 2 से 5 मिलीग्राम पर ओरल आप ले सकते हो, ठीक है, जिस तरह से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं उसके मुताबिक लोगे। क्योंकि अगर अपनी मर्जी करोगे ना और जरा सी भी डोज में आपने चूक कर दी, जरा सी भी डोज को ज्यादा कर दिया, तो आपकी जिस्म से खून निकलना शुरू होगा, आंखों से, नाक से, कानों से, मुंह से खून निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वारफरिन आपको उतनी इस्तेमाल करनी है जितनी आपको प्रेस्क्राइब हुई है। स्ट्रोक में इस्तेमाल होती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में इस्तेमाल होती है, यानी कि जो एम्बोलाई बन जाते हैं आपके रगों में ना, थ्रोम्बस कभी कभी एम्बोलस बन जाता है, एक जगह से निकलता है और कहीं दूसरी जगह पे जाके फंस जाता है और फिर वहां पे ब्लड सप्लाई रोक देता है। ज्यादातर दिल में फंस जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। गुर्दों में, फेफड़ों में फंस गया, फेफड़ों में फंस जाता है तो फिर उसकी वजह से फेफड़े जो है डैमेज हो जाते हैं, गुर्दे डैमेज हो सकते हैं वगैरह वगैरह, नहीं तो इससे बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया होता है ना, उसके मुताबिक ही आपने इस्तेमाल करना होता है। वार्निंग के तौर पे याद रखें कि अगर आपने इसकी डोज को जरा बढ़ा दिया खुद से गलती के तौर पे, तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, इतनी ब्लीडिंग कि आप मर भी सकते हो, लिहाजा आपने ये काम नहीं करना। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में तो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से पहले मशवरा करते हैं और गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और भी लोगों की शिकायत आई हैं कि ये पेट में दर्द करता है, गैस हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, जिल्द पर रैशेज आती हैं, सर दर्द करने लगता है, टिश्यू नेक्रोसिस होने हो रही है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, इवन पेशाब में खून आ रहा है, खून की कमी हो रही है, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं हमारा लीवर जो है फूल गया है, या जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी से, इस तरह की प्रॉब्लम्स रिपोर्ट होती हैं इसके साथ। क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग है नहीं ना कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप लेते रहो, ये तो एक ऐसी ड्रग है जो एक लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होती है कि कहीं आपको थ्रम्बस बन रहा है तो आप उसको रोकते हो। बहरहाल, फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।